आओ चले। अरे क्या हुआ? 24 घंटे दारू के नशे में रहते हो? आप कुछ नया हो, क्या हुआ है? रघु काका, कब तक ये अत्याचार सहते रहेंगे हम? दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं, फिर भी भर पेट खाना नहीं मिलता। दिन दहाड़े जंगल की लकड़ियों को काटकर जंगल को खोखला करते हैं ये लोग। देखते हुए भी हम लोग चुप रहते हैं, लेकिन आज उन्होंने हमारे घर की इज्जत पर हाथ डाला है। कब तक ये सब सहते रहेंगे और चुप रहेंगे हम लोग? लेकिन हम गरीबों का सुनता कौन है बेटा? तो जाओ, अपने घर की इज्जत को भेंट चढ़ा दो ठेकेदार के कुत्तों को। अरे, क्या बिरसा भगवान के गर्म खून का असर हमारे शरीर से खत्म हो गया है? बोलो, जवाब दो। मैं पूछता हूं, तुम सब मर क्यों गए काका? आज अगर इंद्र भैया ना होते तो ना जाने तुम्हारी बेटी का क्या हाल होता। भगवान ही हम सबकी रक्षा करेंगे बेटा। तुमसे भगवान ने नहीं कहा कि यूं दारू पी के पड़े रहो, अपनी बहू बेटियों से काम करवाओ? तुम सब ना मर तो गए हो काका, आखिर कब तक इंद्र भैया हमारे लिए लड़ते रहेंगे? चलो मंगू, घर चले। अरे जब तक तुम्हारा ये इंद्र भैया जिंदा है ना, तुम लोगों पर आंच नहीं आने देगा। सही है इंद्र भैया, लेकिन हमें भी तो कुछ करना चाहिए। जरूर, लेकिन लेकिन क्या? मैं अपाहिज हूं इसलिए मजबूर हूं ना भैया। मंगलू, कौन कहता है तुम अपाहिज हो? अरे हम सब जो है तुम्हारे बैसाखी। आओ आओ, ऐसा नहीं सोचते भाई। सच भैया, कभी कभी मुझे अपने आप से नफरत होने लगती है। ये भी कोई जिंदगी है? मंगलू, ए, अरे तेरी बांसुरी बहुत दिनों से नहीं सुना, सुनाएगा? सुनोगे भैया? हाँ हाँ, मैं जब भी बांसुरी बजाता हूँ मेरा मन हल्का हो जाता है। आओ बैठो। आ, 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 चल। ए, हाँ। मैं नहीं बजाऊंगा। जब जब मैं बांसुरी बजाता हूं तुम उदास हो जाते हो और शराब पीने लग जाते हो। अरे पागल, ये मुझे अच्छा लगता है ना, इसीलिए पी लेता हूं। नहीं भैया, तुम मुझसे नहीं छुपा सकते। हर दम तुम हम मजदूरों के लिए जीते मरते रहते हो, क्या हम तुम्हारा गम नहीं बांट सकते? भैया, शक्ल सूरत से तो तुम किसी अच्छे घराने के लगते हो, फिर यहां? मैं जानता हूं भैया, मुझे ये सब तुमसे नहीं पूछना चाहिए, मगर हम सबके साथ रहते हुए भी तुम बहुत दूर चले जाते हो। बताओ ना भैया, ऐसा क्या गम है जो तुम अकेले घुटते रहते हो? अरे मंगलू, तू कह रहा था ना वो बिरजू का बच्चा बीमार है, चलो उसे दिखाते हैं। भैया आज तुम फिर टाल गए। अरे मंगलू, तुम ही लोग तो मेरे अपने हो, और ये जंगल मेरी माशुका है। आजा, एक छवा। सोचता हूँ रे मंगलू। अरुण, मैंने तुम्हें तुम कहा, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? और वैसे भी उम्र में भी तुम मुझसे छोटे हो, और शायद तजुर्बे में भी। बेशक सर, आप मुझे तुम कह सकते हैं,
आपका हक है। सर, जंगल का मेरा पहला तजुर्बा है, यहाँ तो जंगली जानवर भी होंगे। कमाल है, तुमने देखे नहीं अभी तक? नहीं, जरा घूम के देख लो। ये एक ऐसा जानवर है जो जब से जंगल में आया है जंगल के जानवरों ने डर के भागना शुरू कर दिया। साहब, आप भी हमारे साथ मजाक करने लगे। बहुत दिनों बाद इतनी ताजिया हमें सांस लेने का मौका मिला। कुदरती हवा किस्मत वाले को मिलती है अरुण, लेकिन मैं सोच रहा हूँ तुम शहर के शोरों गुल से आए हो, इस वीराने में मन लगेगा तुम्हारा? क्यों नहीं लगेगा सर, हरे भरे पेड़ों के बीच कितनी शांति है यहाँ, कितना सुकून है, कितना सन्नाटा है।